नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जुलाई शनिवार रात 8 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। चूरू जिले के सुजानगढ़ में अश्लील फोटो वायरल करने व परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग स्कूली छात्रा से बार बार दुष्कर्म करने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 35 वर्षीय मनोज गुज्जर ने 2 वर्ष पूर्व स्कूल से घर आते वक्त अपने घर पर बुलाकर उससे दुष्कर्म किया। आरोपी ने अपने मोबाइल से उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। आरोपी ने उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने तंग आकर इस संबंध में परिजनों को जानकारी दी। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों को जानकारी मिलते ही परिजन उसे इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों की वजह से खुदकुशी कर ली है। मृतका का नाम कश्मीरा है, जिसका पीहर खैरथल थाना क्षेत्र के गाँव नांगल सतोकड़ा में है। कोटा में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी गेट पर नो एग्जाम को लेकर हंगामा कर दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी सहित अनेक छात्रों ने गेट पर टायर जलाने के साथ कुलपति का विरोध जताया। छात्र परीक्षा की जगह विद्यार्थियों को सीधा प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने परीक्षा बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान वहाँ जमकर धक्का मुक्की हो गई। छात्र नेता और प्रोक्टर डॉक्टर चक्रपाणी गौतम आपस में उलझ गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य छात्रों के बीच बचाव किया। लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर गंदे गंदे कमेंट करना व अश्लील फोटो अपलोड करने का मामला बीकानेर की नोखा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। परिवादी का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बहन के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसमें गंदे गंदे कमेंट व अश्लील फोटो अपलोड कर रहा है। उसमें उसकी बहन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर जिले के भिवाड़ी में 7 साल की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को हरियाणा के बोहड़ा कलां जिला गुरुग्राम से लगभग एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये घटना 24 जून की है। थाना क्षेत्र रामगढ़ के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि प्रार्थी अपने 7 वर्षीय अबोध पुत्री के साथ कुआ पूजन प्रोग्राम में थाना क्षेत्र तिजारा के एक गांव में आया था। वहीं आरोपी बालिका को बहला फुसलाकर अपने पुराने मकान में ले गया और बालिका के साथ दुष्कर्म किया। चित्तौड़गढ़ जिले के दलित उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। उधार दी की गई केबल मांगना एक दलित को इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि जूतों की माला पहनाकर महिलाओं के कपड़ों में नचाया। दबंग यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे घटनाचक्र का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित का आरोप और से थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया, जिसकी जाँच पुलिस उपाधीक्षक कर रहे हैं। बीकानेर के नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में युवक द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी ने बताया कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला हंसराज, जो कि अपनी बहन के सहयोग से उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी व उसकी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। भरतपुर में अवैध हथियार के बदमाश के आने की सूचना पर नाकाबंदी कर रही बयाना क्षेत्र के कलसाड़ा चौकी पुलिस व ग्रामीणों पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। इसमें एक ग्रामीण युवक के छर्रे लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने बाद में मौके पर बदमाश को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस गिरफ्त से बदमाश की धुनाई कर दी। पुलिस ने उसे बचाया तो ग्रामीण पुलिस से भी उलझ गए, जिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। वारदात में घायल युवक कलसाड़ा निवासी बबलू जाट ने आरोपी नगला फ्लॉट महरावर निवासी जितेंद्र जाटव के खिलाफ जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा में बहुचर्चित लीला मेघवंशी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका की मौत के घाट उतारने पर पुलिस ने अजमेर निवासी नरेश मेघवंशी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 4 दिन पूर्व रायला कस्बे के पास लीला मेघवंशी की हत्या हुई थी। आरोपी पहले ही मासूम की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। पैरोल पर छूटते ही आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
अजमेर जिले के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के आज कोर्ट में 164 के बयान दर्ज हुए। पीड़िता ने मदार निवासी प्रयाग जैन व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि आरोपी और उसका परिवार राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। राजधानी जयपुर के एमआई रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास आज सवेरे उस वक्त हंगामा हो गया जब करीब 200 फीट ऊंचे टावर पर एक युवक चढ़ गया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाया। इस दौरान लाउडस्पीकर से युवक को घंटों तक समझाने का प्रयास किया गया। इस बीच एसडीआरएफ की टीम ने नीचे जाल भी बिछाया और उसे उतरने के लिए मनाते रहे। पुलिस ने बताया कि राजकुमार नाम का युवक बिहार का रहने वाला है। उसका कहना है कि वह काफी परेशान और दुखी है। वह ठेकेदार पर पैसा नहीं देने का आरोप लगा रहा था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.